देखिए कितना खस्ता है और अंदर से कितना सॉफ्ट है। हेलो फूडीज, वेलकम टू आवर चैनल सात्विक कढ़ाई। तो आज हम लेकर आए हैं खस्ता कुरकुरा खजूर, जिसे हम बिहार में ठेकुआ के नाम से जानते हैं और इसे छठ पूजा में बनाते हैं। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले हम आपको बता दें कि आप वीडियो लास्ट तक देखें, क्योंकि हमने इसमें कुछ टिप्स बताए हैं जो आपके लिए बहुत उपयोगी साबित हो सकते हैं। खजूर बनाने के लिए हम 4 कप मैदा लेंगे और मेजरिंग के लिए हमने ये बाउल यूज किया है, इसी से सारा चीज़ मेजर करेंगे। उसी मेजरिंग कप से हमने 1/3 कप घी लिया है, ये शुद्ध देसी घी है, घर का बना हुआ। उसी कप से हम 1 कप चीनी लेंगे। तो सबसे पहले हम घी को गर्म कर लेते हैं। घी गर्म हो गया है, अब हम 8-10 इलायची को 1 चम्मच चीनी के साथ पीस लेंगे। ये देखिए हमने इलायची को चीनी के साथ पीस कर पाउडर बना लिया है। अब हम सबसे पहले मैदे में एक गड्ढा बनाएंगे और इसमें घी डालेंगे। अब हम हाथ की सहायता से घी को मैदे में मिक्स कर लेंगे। घी मैदे में मिक्स हो गया है, ये देखिए। अब हम इसमें चीनी मिला लेंगे। और इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसी में इलायची पाउडर भी मिक्स कर देंगे। आप चाहें तो इसमें ड्राई फ्रूट्स भी मिला सकते हैं, सौंफ भी मिला सकते हैं। ड्राई फ्रूट्स को बारीक बारीक काट कर मिक्स कर लेंगे। हम थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका डो तैयार करेंगे। देखिए ऐसा डो बनाकर हम इसे ढककर रख देंगे, इसे आधे घंटे तक हम छोड़ देंगे। आधा घंटा हो गया है, अब हम डो को फिर से मसल लेते हैं। चीनी मेल्ट होकर आटा थोड़ा और सॉफ्ट हो गया है। इसके हम पेड़े बनाकर देख लेते हैं, अगर जरूरत पड़ी तो हम इसमें थोड़ा सा पानी और मिलाएंगे। ये देखिए ऐसे पेड़े बनाएंगे हम, थोड़े मोटे मोटे। अब हम गैस ऑन कर उस पे तेल गर्म होने के लिए रख देंगे और जब तक तेल गर्म होता है तब तक हम पेड़े बना लेते हैं। Thank you.
तेल गर्म हो चुका है और हमारे पेड़े भी बन गए हैं। अब हम इसमें एक एक कर सारे पेड़े डाल देंगे। इसे हम मीडियम फ्लेम पे तलेंगे और गोल्डन ब्राउन होने तक तलेंगे। एक साइड से गोल्डन ब्राउन हो चुका है, अब हम इसे पलट लेते हैं। अब भूल से भी थोड़ी तुरंत इसको पलटने की कोशिश ना करें, वरना ये टूट सकता है। सावधानी से पलटे। ये देखिए दोनों साइड से गोल्डन ब्राउन हो चुका है, अब हम इसे निकाल लेते हैं। इसी तरह हम सारे खजूर बना लेंगे। तेल बहुत गर्म है इसलिए हम इसको लो फ्लेम पे बनाएंगे। आप चाहें तो इसमें चीनी को पीसकर दरदरा पीसकर भी मिला सकते हैं और पानी की जगह दूध से भी डो बना सकते हैं। दूध से डो बनाने पे टेस्टी और ज्यादा हो जाता है। लीजिए तैयार है हमारा खस्ता कुरकुरा खजूर। आप इसे ठंडा होने पर एयरटाइट डब्बे में भरकर रख दें और एक महीने तक आप इसे खा सकते हैं। आप इसे शाम के स्नैक्स में खाएं या जब भी मन करे मीठा खाने का, आप निकालिए एक खजूर और उसे खा लीजिए। और आपको ये रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे मेरे चैनल पे आने वाली अगली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।